इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्षार की बेस की। बेस क्या होता है इसके बारे में कई अलग अलग रसायनज्ञों ने अपना मत दिया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आरहेनियस। कौन? आरहेनियस। इन्होंने क्या बताया? तो जो कि जो आरहेनियस साहब ने बताया था, इन्होंने बताया ऐसे पदार्थ क्षार होते हैं, ऐसे पदार्थ क्षार होते हैं जो जल में घोल दो, जल में घोल दो तो ओएच आयन देते हैं। क्या देते हैं? ओएच आयन देने की क्षमता रखते हैं, या फिर देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घोलेंगे तो क्या देगा? ओएच देगा। किसमें? जल में घोलने पर। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो ये भी जल में घोलने पर क्या देगा? ओएच देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो ये भी जल में घोलने पर क्या देगा? ओएच देगा। तो आरहेनियस साहब ने बताया था ऐसे पदार्थ क्षार होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर कौन आयन देते हैं? ओएच आयन देते हैं। ये एक इनका मत था, आरहेनियस था, और रसायनज्ञों ने मत दिया है उसको समझते हैं। मत जो था ब्रांस्टेड और लोरी साहब, देखिए ब्रांस्टेड और लोरी साहब ने ये बताया ऐसे पदार्थ क्षार होते हैं। कैसे? ऐसे पदार्थ क्षार होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन से यहाँ पर मतलब है हाइड्रोजन आयन, H3O आयन। याद रखिएगा, प्रोटॉन से मतलब है हाइड्रोजन आयन, H3O आयन। ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार। जैसे एग्जांपल हम लोग अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे देखिए अमोनिया क्या होता है? अमोनिया ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, अर्थात प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? अमोनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? अमोनियम। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार। जैसे आप लोग क्लोरीन आयन जानते हो क्या? क्लोरीन आयन ये हाइड्रोजन आयन अर्थात प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ब्रांस्टेड और लोरी साहब ने क्या बताया? ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला मत देखते हैं, अगला किसने ने क्या बताया? अगला मत जो था लुईस साहब। कौन? लुईस। लुईस साहब ने ये बताया ऐसे पदार्थ क्षार होते हैं। कैसे पदार्थ? ऐसे पदार्थ क्षार होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया ले लेते हैं, NH3। क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन 3 से क्रिया कर लेगा, 5 होते हैं, 3 से तो क्रिया कर लिया, कितना बचा है? 2। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? लुईस क्षार भी बोलते हैं। लुईस क्षार कैसे? जो लुईस के अनुसार जो क्षार होता है उसे लुईस क्षार बोलते हैं। अगर मैं NH2 की बात कर लूँ तो ये भी क्या है? लुईस क्षार है। कैसे है? देखिए नाइट्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन से 2 क्रिया कर लेगा, एक क्या होगा? R से क्रिया कर लेगा। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? त्याग देगा, अर्थात देने की चेष्टा है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हो जाएगा? लुईस क्षार हो जाएगा। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो R O R, आप देखिए इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 को अगर मैं बनाऊंगा तो एक R इधर क्रिया कर लेगा, एक R इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, अर्थात ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म देने के क्या कर रहा है? क्षमता है। तो ऐसे क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार कहलाते हैं।